हाय गाइस हेलो एवरीवन वन अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑन लैब वंस अगेन मेरे यानी स्वप्नल अग्रवाल के संग अपने बैंकिंग के लेक्चर में जहां पे हमारी रीजनिंग की क्लास होती है साढ़े चार बजे तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर आ चुके हैं जो ऑलरेडी यहां पर जुड़ गए हैं एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है जिससे कि हम स्टार्ट कर सकें अपने आज का सेशन जिसमें कि हम देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट वो आज इन आर आर बी क्लर्क ट्वेंटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के फजल है हमारे दो के पेपर में पूछे थे वो हम देखेंगे अपने आज के सेशन में तो जितने भी लोग जुड़ गए हैं प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है हेलो मैम हाय हेलो हाय जितनों को भी नहीं अगर किसी को क्लियर आ रहा है ना तो जस्ट लेट मी पिंग मैसेज प्लीज रिफ्रेश द सेशन हैज स्टार्टेड जी मैम आ गई हैं और जिनको नहीं दिख रहा है वो एक बार प्लीज रिफ्रेश कर लें तो गैस जैसे कि आपको पता है कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल हमारे लेक्चर का सॉरी हमारा जो पेपर होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आप बात करो सिर्फ आर, आर क्लर्क दो के पेपर की तो चार आपके क्वेश्चंस आए थे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के चार क्वेश्चन आए थे अब वो चार क्वेश्चन चारों के चारों मैंने ले रखे अपने आज के सेशन में एंड डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर कि आप कितना जल्दी और कितना अच्छे से ये क्वेश्चंस कर पाते हैं ठीक है तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं हमारा आज का ये आइकॉनिक सेशन विटनेस करने के लिए बताइए क्या सभी लोग तैयार हैं क्विकली यू ऑल रेडी फटाफट से बता दो जितने भी लोग आ चुके हैं भाई एक बार लाइक करके एक बार लाइक बटन पर प्रेस करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए तो बता दो भैया एक बार सब लोग हाउस जोश हाय है सभी का जोश एकदम चलिए बहुत अच्छी बात है अगर सबको बढ़िया सब कुछ क्लियर भी है सबका जोश भी एकदम हाई है तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन अच्छा देखिए यहाँ पे जो लोग नए आए हैं टाइमिंग याद रखिएगा साढ़े चार बजे होता है और अगर कोई एसएससी का स्टूडेंट है तो ढाई बजे होती है आपकी रीजनिंग की क्लास जिसमें किरण की सीरीज चल रही है ठीक है तो आते हैं हम अपनी आज की क्लास के पहले पजल के ऊपर और ये पजल आपका पूछा गया था आर क्लर्क दो के पेपर में जिसको करने के लिए मैं आपको दूंगी डेढ़ मिनट ठीक है डेढ़ मिनट का टाइम है आपके पास ये क्वेश्चन करने के लिए चलिए आपका डेढ़ मिनट स्टार्ट हो चुका है एंड शुरू हो जाइए क्वेश्चन करने में लग जाइए सब लोग अनसर्टेन पजल है क्विकली गाइज बताइए जब डन हो जाए तो बताइएगा मुझे अगर आपका टाइम खत्म होने से पहले हो जाए तो भी डन लिख दीजिएगा टाइम खत्म हो चुका है लेकिन थर्टी सेकेंड मैं और दे दे रही हूं आप लोग को इनकेस अगर कोई नहीं कर पाया ताकि यह ना हो कि दो मिनट भी मैम ने नहीं दिए एक पजल के लिए जल्दी से देख लीजिए और इसको खत्म कर दीजिए दो मिनट आपके पास पूरे पूरे थे इस क्वेश्चन को करने के लिए चलिए आइए इसको पॉज कर दें आप ओके लेट्स पॉज इट ठीक है आपके दो, दो मिनट आपके कंप्लीट हो गए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन के साथ तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया था आपसे पीपल डन 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 बहुत गजब के के आ रहे हैं आप सभी वेरी गुड अगर आप लोगों ने कर लिया है तो चलिए आइए स्टार्ट करें शुरू करें बहुत बढ़िया चलो स्टार्ट करते हैं बोला गया था सर्टन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो हमें नहीं पता कितने लोग थे तो आइए हम क्या करते हैं साइड में इधर हिंट्स लिख लेंगे सबका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है आगे बढ़ते क्वेश्चन के A, तो ये अब किसी भी से वो पर बैठ सकता है ना किसी भी एंड से बैठ सकता है वो चाहे राइट right एंड से हो चाहे आपका लेफ्ट एंड से हो तो किसी भी एंड से हम बैठा देंगे इसको अभी पहले हमने लिखा कि एफ और ए के बीच में कितने लोग हैं तीन लोग हैं और ए कहां से है थर्ड है फ्रॉम एंड ठीक है आगे बढ़ते हैं बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ बी कहां है आपका एफ के सेकेंड राइट right में है ठीक है आगे बढ़ते हैं डी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी डी आपका बी के इमीडिएट राइट right में बैठता है टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड सी डी और सी के बीच में दो लोग बैठते हैं ठीक वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जी एक इंसान बैठता है सी और जी के बीच में और जी के लिए क्या बोला गया है हु हु सिट्स सिट्स थर्ड 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 फ्रॉम 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 एंड 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 जी जी के लिए बोला गया है है अब जी भी बैठता है third position पे from the end. तो हमें पता चल गया कि एक तरफ से ए बैठेगा थर्ड पोजिशन पे और एक तरफ से आपका जी बैठेगा थर्ड पोजिशन पे फ्रॉम एनी ऑफ दी एंड आगे बढ़ते हैं क्या बोला गया था सी डज नॉट सिट एट दी एंड ऑफ द रो सी एंड पे नहीं बैठता है अब देखिए जी और सी के बीच में जी बोला गया है थर्ड है ठीक है और थर्ड है किसी भी पोजीशन पे मतलब यहां पे हो सकता है और बोला गया है आपका जी आप कि आपका जो सी है वो एंड पे नहीं बैठता तो सी आपका इस तरफ ना बैठ के सी आपका इस तरफ बैठेगा तो आपका ये पोजीशन क्लियर होनी चाहिए कि सी आपका एंड पे नहीं बैठेगा आइए अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन का मतलब प्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं लोगों को बैठाना शुरू करते हैं तो हमने क्या लिया पहले हमारे पास दो दो चीजें थी या तो हम ए को लेफ्ट में ले लें जी ले, को राइट में या तो हम ए को राइट में ले लें ले और जी को लेफ्ट में तो हमने क्या किया हम पहले ए को लेफ्ट में लेके देखते हैं थर्ड फ्रॉम दी लेफ्ट ये हो गया हमारा थर्ड फ्रॉम दी लेफ्ट ए ठीक है एफ और ए के बीच में तीन लोग बैठे हैं ना तो ए आपका यहां है एक दो तीन छोड़ के आपका एफ इधर बैठा है ठीक ये कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई एफ और ए के बीच में तीन लोग बैठ गए आगे बढ़ते हैं एफ के सेकंड राइट right में बी बैठा है एफ के सेकंड राइट right में बी तो फर्स्ट राइट एंड सेकंड राइट में एफ के बी बैठा है ये वाली भी पोजीशन हम लोगों ने सेट कर दी आगे बढ़ते हैं बी के जस्ट राइट right में डी बैठा है तो बी के जस्ट बगल में आपका डी आ गया ठीक है फिर बोला गया था डी और सी के बीच में दो लोग बैठे हैं अब आप देखो इस तरफ तो आ नहीं सकते दो लोग क्योंकि एफ इधर बैठा है तो डी और सी के बीच में दो लोग आ गए इधर सी और जी के बीच में एक इंसान बैठा है सी और जी के बीच में एक इंसान आ गया और बोला गया था कि जी हमारा थर्ड है फ्रॉम वन ऑफ द एंड तो जी अगर थर्ड है तो इसके बाद आपके दो लोग आएंगे तो ये बन गया आपका पजल ठीक है ये तैयार हो गया आपका पजल बन के पूरा अब आप मैच कर लो यहां पे कि कितने यहां पे आप लोगों का कितनों का सही बना है और जितनों का भी सही बना हो अगर उनका सही बना तो लाइक करिए और अगर जिनका नहीं सही बना था एंड अब उनको समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए ठीक है कितने लोग आपके टोटल बन गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन टोटल पीपल देयर इन दिस क्लियर हो गया सभी को अच्छे से सत्रह लोग थे सेम टू सेम चलिए जितनों का सेम टू सेम बना भाई उतने तो लाइक करो कम से कम उतने तो लाइक कर दो कम से कम

स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है जिसके लिए आई एल बी गिविंग यू टू मिनट्स आपके लिए आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए दो मिनट तो इस क्वेश्चन को देखिए एंड आंसर करिए सभी लोग इस बात से अग्री करते होंगे कि हम क्वेश्चंस यहाँ पे घर पे भी सॉल्व कर लेंगे बाद में भी कर लेंगे लेकिन पहले आप पजल्स करा दीजिए 20 seconds left. इसको पॉज करते हैं और देखते हैं हम अपने क्वेश्चन पे पे देखिए जैसे ही घंटी बजी वैसे ही रिप्लाईज आने लगे डन 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 ग्रेट चलिए बहुत बढ़िया डन हो गया सभी का काफी लोगों का मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे डन हो चुका है तो आइए अगर आपका डन हो गया है नहीं भी डन हुआ है तो मेरे साथ डन कर लीजिएगा और अगर डन हो गया है तो मैच कर लीजिए अपनी पजल तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पजल का सोलूशन ठीक है और जितने भी चीपस्टर्स हैं उनको आइए सबसे पहले ब्लॉक कर दें आइए स्टार्ट करते हैं इस पजल का सोल्यूशन लेट्स मूव ऑन टू द दोल्यूशन पार्ट बोला गया था आठ लोग हैं एक स्क्वायर शेप्ड टेबल पे बैठे हैं चौकोर मेज है इस पे बैठे हुए ये चौकोर थोड़ा कम और रेक्टेंगल ज्यादा लग रही है बट कोई बात नहीं ठीक है जिसमें कि चार लोग साइड्स पर बैठे हैं और चार लोग कॉर्नर पर बैठे हैं पीपल सिटिंग एट द कॉर्नर आर फेसिंग ऑपोजिट द टेबल टेबल के ऑपोजिट बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं और जो लोग आपके इनसाइड uh, हैं, जो लोग आपके बीच में बैठे हैं, दे फेसिंग इनसाइड द टेबल ठीक है वो इनसाइड की तरफ फेस कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं बोला जाता है एफ सिट टू द राइट ऑफ ई के सेकेंड राइट right में बैठता है एफ ठीक आगे बढ़ते हैं थ्री पीपल सिट बिटवीन एफ एंड जी एफ और जी के बीच में तीन लोग बैठते हैं ठीक D सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, G के सेकेंड लेफ्ट में बैठता है D, ठीक आगे बढ़ते हैं C डज नॉट सिट adjacent टू G, C इज अ नेबर ऑफ D, C D का नेबर है और C G के बगल में नहीं बैठता है ठीक A सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ C, C के सेकेंड राइट right में A बैठता है ठीक है आगे बढ़ते हैं ए सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी हु सेट ऑपोजिट टू बी तो सी के लिए बोला गया है हु ऑपोजिट टू बी तो सी बी के ऑपोजिट बैठता है एच डज नॉट सिट एट कॉर्नर ऑफ द टेबल तो एच हमारा सेंटर में बैठता है ठीक है ये हमारे पास सिचुएशन निकल के आ रही थी तो आइए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं इसमें बोला गया था सबसे पहली चीज कोई भी आप सिचुएशन उठा लो सारी ही जितनी भी आपकी पजल में जितनी भी सिचुएशन दे रखी है सब ईजी ही है कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं दे रखी है आपको यहां पर दे रखा है कि ई e और एफ ई e क्या बोला है ई एफ सिट से टू द राइट ऑफ ई F, E के सेकंड राइट right पे बैठता है अब अगर दो कंडीशन हो सकती है या तो आप E को कॉर्नर पे ले लो या आप E को मिडिल पे ले लो अगर हम कॉर्नर पे लेते हैं तो आइए देखते हैं E है हमारा मान लीजिए यहाँ पे और बोला गया है F सेकंड राइट right में बैठता है तो फर्स्ट राइट एंड सेकंड राइट क्योंकि आउटसाइड द टेबल फेस है ना आउटसाइड द टेबल फेस है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन चलेंगे तो एफ हमारा यहाँ पर आ गया ठीक है ये बन गई हमारी कंडीशन एफ और जी के बीच में तीन लोग हैं अब तीन लोग आप चाहे लेफ्ट से छोड़ के बैठाओ चाहे तीन लोग आप राइट से छोड़ के बैठाओ बैठाओ जी की पोजीशन आपकी यही आएगी तो जी की पोजीशन आपकी ये आ गई ठीक ये भी कंडीशन हमारी क्लियर सी और जी अगल बगल नहीं बैठते तो सी हमारा इन दोनों में से किसी जगह पर नहीं आएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं जी के लिए क्या बोला था जी के सेकेंड लेफ्ट में डी बैठता है सेकेंड लेफ्ट लेकिन ये भी आउटसाइड फेसिंग है ना तो फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकेंड लेफ्ट में आ जाएगा आपका डी यहां पे डी आ गया ये कंडीशन भी हमारी डन हो गई अब आप देखो सी बैठता है डी के बगल में सी डी के बगल में बैठता है और जी के बगल में नहीं बैठता तो सी आपका यहां आ जाएगा ना क्योंकि यहां तो आ नहीं सकता जी के बगल में हो जाएगा सी आपका यहां आ गया फिर बोला गया था अब देखो सी और ए सी के सेकेंड राइट right में ए है तो सी टूवर्ड्स द सेंटर फेसिंग है फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में ए आपका आ गया ठीक और सी ऑपोजिट है बी के सी और बी ऑपोजिट बैठते हैं तो सी के ऑपोजिट बी यहां आ गया और एच आपका सेंटर में बैठता है तो एच आपका यहां पे बन के आ गया और ये बन के तैयार हो गई आपकी पजल ठीक है ये बन के तैयार हो गई हमारी एक और पजल जो कि पूछी गई थी आपके आरआरबी क्लर्क 2020 के पेपर में ठीक है सारी कंडीशंस को हम हटा देते हैं एंड ये बनके तैयार हो गए हमारी पजल तो अब यहां पे देखो इस पजल को और बताओ कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जैक्टली exactly सेम बन के आया था पजल का बताओ कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जैक्टली exactly सेम बना था पजल क्लियर है सभी को सबको क्लियर हुआ अच्छे से चलिए डिट्टो एग्जैक्ट डिट्टो बनी बहुत बढ़िया जितनों की एकदम सेम बनी है फटाफट से लाइक कर दो एक बार वीडियो को चलिए अगर ये बनके तैयार हो गई आपकी पजल तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट पजल पे जो कि पूछी गई थी आरआरबी क्लर्क 2020 के पेपर में इससे एसोसिएटेड जो क्वेश्चन हैं वो आप टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहां से आप कर लीजिएगा अगर करना है तो अदरवाइज पजल बन गई है तो फिर मतलब बाकी की चीजें तो हो ही जाएंगी आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट जिसके लिए आपको मिलेंगे मात्र डेढ़ मिनट डेढ़ मिनट मिल रहे हैं आपको इस क्वेश्चन के लिए एंड आई बिलीव कि ये क्वेश्चन आपका एक मिनट से कम में एक मिनट में हो जाना चाहिए चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ देखिए समय आपकी सुई स्टार्ट हो चुकी है समय की और आंसर करने पर इसको फोकस करिए डेढ़ मिनट का टाइम है आपके पास सिर्फ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है टेलीग्राम का लिंक आपको वहीं से मिल जाएगा कृति ई को अगर आपने मिड में रखा होगा तो आपकी सिचुएशन आगे चल के कैंसिल हो जाएगी टर्न वेरी गुड अगर नहीं ओपन हो रहा आपसे टेलीग्राम तो आप डायरेक्टली सर्च कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम पर माई स्टडी लैब माई स्टडी लैब नाम का है हमारा टेलीग्राम चैनल एंड टाइम्स अप समय समाप्त आपका डेढ़ मिनट का टाइम मिला था आपको सवाल सवाल करने के के लिए लिए मिनट का टाइम काफी था आपको ये क्योंकि क्वेश्चन आपका इतना ज्यादा डिफिकल्ट था ही नहीं आइए देखते हैं पे क्या बोला गया था अब आप, आप देख सकते हो कि आरआरबी क्लर्क में जो क्वेश्चन जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के उसका लेवल क्या है तो जब मैं आपको ईजी क्वेश्चन अगर कराती हूँ ना तो ये मत बोला करिए कि मैम आप इतना ईजी करा रहे हो मैम ये तो बहुत ईजी है बहुत ईजी है एक्चुअली में यही पूछा जा रहा है आपसे दो का पेपर है अब आप देखो 2020 का सेटिंग अरेंजमेंट अगर इस लेवल का है तो आपका 2021 में भी लेवल लगभग यही रहेगा ठीक है आइए देखते हैं हाँ क्या बोला गया था क्वेश्चन में। सब की दो लोग बैठते हैं ठीक नीदर जी सिट्स एट द रो एंड दोनों में से कोई भी एंड पर नहीं बैठता है ठीक है आगे बढ़ते हैं डी सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी जी के सेकेंड राइट right में डी बैठता है ठीक बी इज अ नेबर ऑफ डी बी नेबर है डी का चलिए आगे बढ़ते हैं ई सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी बी के सेकेंड लेफ्ट में ई e बैठता है ठीक आगे बढ़ते हैं। F sits to the immediate left of C, F C। में बैठता है C के चलिए ये पजल हमा, ये हमारे पास बनके तैयार हो गई थी ये वाले हमारे पास कंडीशन आ गई थी अब इसकी अगर हम प्लेसमेंट करते हैं तो बोला जाता है सबसे पहले जो डेफिनेट हिंट आपको गिवन है जो पूछ रहा था मैम हम लोग कैसे कौन से हमें कैसे पता चलेगा कौन सी हिंट से सॉल्व करना है तो जो डेफिनेट हिंट गिवन है सबसे ज्यादा जिसके बारे में चीजें लिखी जैसे आपने देखा जी के बारे में आपको दो स्टेटमेंट्स मिले थे तो जी के हिसाब से हम दो लोगों को लेके सॉल्व करते हैं देखते हैं जी के सेकंड राइट में डी बैठता है जी है उसके फर्स्ट राइट एंड सेकेंड राइट में आपका डी बैठ गया ठीक है अब बोला गया था जी और ए के बीच में दो लोग हैं अब जरा सा समझिएगा अगर हमने दो लोग मान लीजिए इधर बैठा है तो ए हमारा इधर आ जाएगा ठीक है यहाँ कितने लोग हो गए हमारे तीन और तीन छे हो गए अब आप देखो एक और आपको कंडीशन पता थी ठीक है अब दो हमारे पास कंडीशन है या तो हम ए को इधर बैठा है मैं इस तरफ से एक बार बैठा के आपको दिखा देती हूँ ताकि जिनको लगे कि मैम आप उधर की तरफ ही क्यों बैठा रहे हो तो जी और ए के बीच में मान लीजिए मैं दो लोग बैठा दिए फिर बोला गया था कि बी के सेकेंड लेफ्ट में ई e है ठीक है बी के सेकेंड लेफ्ट में ई e है अब आप बी को कौन सी पोजिशन पर ले लोगे क्योंकि एक तो इधर आएगा ही छह लोग ऑलरेडी बैठे एक पर्सन इधर आएगा क्यूँ की बोला गया है ए और जी ऑपोजिट मतलब कॉर्नर पे बैठते नहीं है तो कोई ऐसी कंडीशन आपके पास बन रही है बी आप अगर यहां लेते हो तो फर्स्ट लेफ्ट और सेकेंड लेफ्ट में आप ई e लेना पड़ेगा आपको ठीक है और बी के इमीडिएट बगल में आपका डी हो गया तो आप एफ और सी कहां बैठा लोगे एफ और सी भी तो बगल में आ रहे हैं इसीलिए ए की पोजिशन हमारी गलत है जो मेन हमारा रूट कॉज था वो पोजिशन ही ए की हमने गलत बना दी थी तो ए की पोजिशन आपकी यहां पे बनेगी ही नहीं आई ए की पोजिशन अगर लेफ्ट तरफ नहीं बनेगी तो मतलब राइट बनेगी ना जी यहाँ जी के राइट right में डी था और G और जी ए के बीच में दो लोग थे है, right है यहाँ आ गया बी के में जी e तो था और सेकेंड लेफ्ट में आपका ई e आ गया ये सिचुएशन क्लियर हो गई आपको पता था एफ और सी अब साथ में बैठते हैं पांच लोग आपके ऑलरेडी इधर आ चुके हैं ठीक है पांच लोग आपके ऑलरेडी इधर आ चुके और इस तरफ और बैठ नहीं सकते एफ सी क्योंकि ए को कॉर्नर में होना नहीं है तो एफ सी आपके इधर आ जाएंगे एफ बैठता है इमीडिएट लेफ्ट में सी के तो ये बन जाएगी आपकी सिचुएशन तैयार हो जाएगी ई जी बी डी एफ सी ठीक है ई जी बी डी एफ सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बोलिए क्लियर है सभी को अच्छे से क्लियर चलिए अगर सबको एकदम अच्छे से ये सिचु... ये चीज क्लियर हो गई हो ठीक है एकदम अच्छे से अगर ये चीज क्लियर हो गई हो तो फटाफट से एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिएगा एंड उसके बाद आइए ये क्लियर हो गया अब इसके बाद गाइस बच रही है आपके पास एक पजल और एक छोटी सी पजल है आपकी कैलेंडर बेस्ड पजल है जिसको हम अपनी कल की क्लास में कवर करेंगे क्योंकि अब आपकी मैथ्स की क्लास का टाइम होने वाला है एंड अगर मैंने वो पजल स्टार्ट करी तो आपको टाइम लगेगा क्योंकि कैलेंडर वाली जो पजल है ना जो डेट्स वाली है कि सात और बारह तारीख को और इस महीने की तो इस टाइप की पजल है ये मैं फर्स्ट टाइम करा रही हूँ तो आई नीड एटलीस्ट फाइव टू सिक्स एक्सप्लेन दैट टू यू एंड आपकी कौन सी क्लास का टाइम होने वाला है इसी वजह से आप अभी इसको हम इसको पॉज पॉज हम करते हैं एंड पजल आपको मिलेगी कल एग्जैक्टली exactly साढ़े चार बजे हमारे दोबारा से इसी सेशन में याद रखिएगा साढ़े चार बजे है सेशन का टाइम जितने भी नए लोग हैं प्लीज डेली बेसिस पे आया करें क्लास करने एंड अगर अच्छा लगा हो ये सेशन तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा इफ यू हैवन सब्सक्राइब टू द चैनल डू सब्सक्राइब इट थैंक यू